डोंट टॉक अ लॉट अबाउट पीपल पीपल, उसका ह्यूमर बहुत अच्छा है यार, मुझे पसंद आते हैं जो लोग जो बहुत सीरियसली नहीं लेते लाइफ को। बेस्ट चीज़ मुझे लगती है कि शी हैज़ ट्रैवल्ड आई थिंक हाफ द वर्ल्ड, एंड मुझे अभी लगता है कि वो अब मुझे वो साथ लेके जाएगी। देयर आर बी योर फैंस जो काफी ज्यादा क्रेजीली मुझे आपका स्नेहा के बारे में पूछने के लिए कॉन्स्टेंटली पूछ बोल रहे थे, सो आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट योर लव स्टोरी इवेंचुअली। सो हाउ डिड यू गाइस मीट फर्स्ट, वी रियली वांट टू नो अबाउट दैट, एंड किस तरह से आप बताना चाहेंगे, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हैं जितने भी फैंस हैं बस वो यही जानना चाहते हैं। So there's nothing fancy about it. We used to work in the same office, and she was senior to me. She was my manager, और वो मुझे बहुत help करती थी auditions में। वो मेरी proxy लगाती थी, और वो मैं office से बाहर निकलता था, वो कहती थी कि मैं office के अंदर काम कर रहा हूँ, because I was working under her. तो बस मुझे तो इसी चीज़ से प्यार हो गया था यार, कोई मेरे dream को support कर रहा है, and since then we've been like really good friends. And honestly speaking, किसी ने एक दूसरे को ये प्रपोज भी नहीं किया है कभी। It's just that कि हम लोग फ्रेंड फ्रेंड में ही हमने बोला यार अब शादी कर लेते हैं। Okay, okay. एक क्वेश्चन ये था कि how did you felt that it's really going to work in a different way, or you guys need to be together, और यही सारे दो जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं सभी को curious कर रही कि आप दोनों ने कब decide किया कि you do plan it further. See, it's not, you know, that one fine day we decided about it. वो तो एक जर्नी थी यार, 3-4 साल की, जहाँ पे आपको लगने लग जाता है कि यार आप इसके बिना थोड़े से इनकम्प्लीट हो, एंड योर ड्रीम बिकम्स देयर ड्रीम। तो जो उनका एम्बिशन थी वो मेरी एम्बिशन बन गई, जो मेरी एम्बिशन थी वो उसकी एम्बिशन बन गई। वी सपोर्टेड ईच अदर ड्यूरिंग आर टाइम्स वेन वी वर लो, ठीक है। और जब आपकी बहुत खुशी होती है तो कोई होता है यार इस साथ हैप्पीनेस शेयर करना, तो उस साथ मजा आता था। हमारे टेस्ट काफ़ी सिमिलर है व्हेन इट कम्स टू मूवीज एंड यू नो लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू टुगेदर। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टूपिड हूँ, वो भी स्टूपिड है। okay. हमारी वो जोड़ी फिट है। आई थिंक मी, मुझे तो ऐसे ही लगता है, उसका पता नहीं, पूछना पड़ेगा कि जिस दिन मुझे लगा तेरे को उससे पहले लगा क्या। ओके फिर भी वो क्वालिटीज कौन सी आपको जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की थी वो क्या थी? किसमें? स्नेहा में क्वालिटीज क्या थी? या सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी क्वालिटीज जो आपको अट्रैक्ट की? आई थिंक उसका ह्यूमर बहुत अच्छा है यार, मुझे पसंद आते हैं जो लोग जो बहुत सीरियसली नहीं लेते लाइफ को, यू नो पीपल हु लेट गो इजीली और फन करते हैं, मस्ती करते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई लव अबाउट हर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डोंट टॉक अ लॉट अबाउट पीपल 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 हु लिव इन द मोमेंट, यू नो आई कैन रियली रिलेट टू देम, एंड शी इज वन ऑफ दैट सोल। ओके ओके जब आपने इसे ऑफिशियल करने का सोचा, वो बहुत ट्रैवल करती है। आई थिंक उसका सबसे बेस्ट चीज मुझे लगती है कि शी हैज ट्रैवल्ड आई थिंक हाफ द वर्ल्ड, एंड मुझे अभी लगता है कि वो अब मुझे वो साथ लेके जाएगी आगे, क्योंकि I really need a part, someone who travels a lot, और वो बहुत travel करती है। Okay, okay, जब आपने decide किया कि you are going to take it official, तो घर पे parents का क्या reaction मिला था आप लोग के लिए? Parents का reaction तो भाई कर ले, किसी से भी कर ले। यार जिन्होंने नहीं देखा, please watch it because it's an amazing show and for me it's first time I'm doing a rom-com. तो पर्सनली जो मुझे पसंद करते हैं वो तो जरूर देखें, और जो मुझे नहीं पसंद करते हैं वो शो को देखें